सो गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वन माइल एट अ टाइम। मेरे साथ में बैठे हैं शुभदीप सरकार, जो हमारे गेस्ट हैं, जिनको हम कान्हा और बांधवगढ़ लेके गए थे जंगल सफारी का एक एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। और आज जो ये पॉडकास्ट है, मैं चाहता हूँ कि हम अपने गेस्ट के साथ में शूट करें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये हमें बताएं कि इनको जंगल हेडक्वार्टर्स की सर्विस कैसी लगी, हाउ वॉज हिज एक्सपीरियंस। एंड ये हमारे बाकी की भी जो जो गेस्ट हैं जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक तरीके का एक फीडबैक हम समझेंगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसा जंगल हेडक्वार्टर्स काम करता है और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज साथ ही में मैं देख रहा हूँ कि इनके पास में एक नोटबुक है, तो ये मुझसे कुछ सवाल भी पूछने वाले हैं जो इन्होंने तैयार करे हैं। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं शोभा भाई का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने जंगल हेडक्वार्टर्स को कंसिडर किया एज द जंगल सफारी पार्टनर। एंड बाकी तो अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जंगल हेडक्वार्टर्स के साथ कोलैबोरेशन कह लो या आप कह लो एक मीटअप कह लो, वो कैसे हुआ। तो ये लॉकडाउन का समय था, जब COVID-19 अपनी चरम सीमा पे था। उस समय मैं YouTube पर ऐसे ही एक BBC ने एक फिल्म बनाई थी जिम कॉर्बेट सर के ऊपर, जो एक उनका उनकी एक बहुत फेमस नॉवल भी है या स्टोरी भी है, मैन ईटर लेपर्ड्स ऑफ रुद्रप्रयाग। तो उसके ऊपर जब एक उन्होंने एक 45 मिनट की फिल्म बनाई थी, तो मैं वो फिल्म देखना चाहता था। तो जब मैं वो फिल्म देखना चाहता था, तो YouTube में ऐसे मुझे आपका एक चैनल मिला जहाँ पर जिम कॉर्बेट की ये कहानी नरेट की गई थी, और मैंने उसको कुछ देर सुना। तो सुनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसका नरेशन, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक एक्सेट्रा। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने वन माइल एट अ टाइम चैनल के कंटेंट को फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे कंटेंट को जब फॉलो करना शुरू किया, तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कशंस हुए, ऐसे मुद्दों पर डिस्कशंस हुए जहाँ पर मुझे लगा कि मैं भी इनमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और उस तरह से फिर मेरी आपसे बातचीत शुरू हुई, एंड वहाँ से मुझे पता चला कि आप जंगल सफारी से रिलेटेड जंगल हेडक्वार्टर्स का काम भी करते हैं। तो ये एक मेरे लिए भी बहुत टाइम से एक अनफुलफिल्ड विश थी कि मैं आपके साथ जंगल सफारी पे आऊं, आपकी जो नॉलेज है वाइल्ड लाइफ की उसको मैं एक्सपीरियंस करूं, आपके साथ दो तीन और नई चीज़ें सीखूं। और ऑब्वियसली मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग बैक एज अ बेटर पर्सन, ठीक है, बिकॉज मुझे काफ़ी कुछ पता चला है इस टूर पे आके, काफ़ी नई चीज़ों का अनुभव भी हुआ, ठीक है। चाहे अब वो अब हम अगर बात करें जंगल हेडक्वार्टर्स की, तो अगर जंगल हेडक्वार्टर्स में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बिल्कुल ही हैसल फ्री रहा, उसमें चाहे मैं जंगल सफारी की बात कहूँ या नॉलेजेबल गाइड्स की बात कहूँ, ठीक है, या मैं रिजॉर्ट में स्टे की बात कहूँ, क्वालिटी ऑफ रिजॉर्ट्स, टाइप ऑफ स्टाफ मेंबर्स जो रिजॉर्ट में थे उनकी बात कहूँ, ठीक है, तो वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। और ऑब्वियसली आने वाले टाइम में अगर मैं कभी दोबारा कोई वाइल्ड लाइफ एक्सपेडिशन डिसाइड करूँगा, तो जंगल हेडक्वार्टर्स डेफिनेटली एक 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 जरिया होगा मेरे लिए, जिनके थ्रू मैं वाइल्ड लाइफ एक्सपेडिशंस पे जाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच शोभा भाई, आपने इतना अच्छा बोला। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जंगल सफारी एक्सपेडिशन जो हमारा हुआ था, वी स्टार्टेड फ्रॉम कान्हा, हमने कान्हा से किक ऑफ किया था, एंड बांधवगढ़ में हमने उसको अपने सफारी की जो जर्नी है हमारी उसको हमने ख़त्म किया। सो पहले हम कान्हा से शुरू करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कान्हा। तो कान्हा कैसा लगा आपको? सो कान्हा एक बहुत ही सुंदर जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी कि उनके ग्रासलैंड्स इतने बड़े और फैले हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर मुझे वो जो उन्होंने बारहसिंगा कॉन्जर्वेशन के लिए बोमा इन्क्लोजर्स लगा रखे हैं, वो मैंने पहली बार देखा, ठीक है। बारहसिंगा मैंने पहली बार देखा इंडियन फॉरेस्ट में, ठीक है। हाँ, हम टाइगर को ट्रैक करने में काफ़ी करीब आ चुके थे, और एक दफ़ा हमने टाइगर को देख भी लिया, जो कि एक बहुत बड़ी मैसिव फीमेल थी जिसका नाम था डीजे,
वो बहुत बड़ी और बहुत फेमस टाइग्रेस है कान्हा की, बट अनफॉर्चुनेटली एमपी में फॉरेस्ट रिजर्व के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, और ये चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण मुझे उस दिन देखने को मिला जब उन्होंने बोला कि यहाँ से दूसरा जोन शुरू हो जाता है और मैं दूसरे जोन में नहीं जा सकता। इतना अनुशासन प्रिय नेशनल पार्क मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। मैं और भी नेशनल पार्क्स में गया हूँ इंडिया के, लेकिन उन नेशनल पार्क्स में जिस तरह से व्हीकल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिस तरह से कैंटर्स जिप्सीज ऑफ द रूट अपने गेस्ट को साइटिंग देने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, उन सबसे हटकर एक डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर में एक अच्छे तरीके से मैंने जंगल सफारी को एक्सपीरियंस किया। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, चाहे वो कान्हा हो या बांधवगढ़, जब भी कभी टाइगर साइटिंग की बात हुई तो लोग एकदम सीक्वेंस में एकदम शांति से खड़े हुए थे। ठीक है, किसी ने कोई हल्ला नहीं किया, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया, किसी ने कोई ओवर द टॉप एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, जिससे कि साइटिंग उनके खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हो। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो कान्हा में हमने टोटल मिला के 4 सफारी करी, बहुत मज़ा आया। टाइगर, जैसे कि शुभ भाई ने बताया कि टाइगर दिखा, तो धवा झंडी फीमेल डीजे क्वीन ऑफ मुखी जोन जिसे हम कहते हैं, एक तमन्ना थी डीजे को देखने की जो आपके साथ में पूरी हो गई। भले ही हमने झलक देखी, लेकिन वो झलक भी काफ़ी थी। हाँ, झलक भी काफ़ी थी, क्योंकि मैं तो नया ही हूँ वाइल्ड लाइफ एक्सपेडिशन में, मैंने बहुत ज़्यादा सफारीज़ की नहीं है, और ये मेरी इनिशियल सफारीज़ में से ही कुछ सफारी है जिसमें मैंने डीजे टाइग्रेस को देखा, और इट हैड अ मैसिव साइज, और इतनी हेल्दी, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ब्यूटीफुल टाइग्रेस मैंने पहली बार देखी है वाइल्ड में। ठीक है, हाँ, वो एक एस्पेक्ट है कि हम सिर्फ उसको 2 मिनट के लिए देख पाए, लेकिन वही आई थिंक एक बहुत बड़ा हाईलाइट था कान्हा के टूर के लिए, कि इतनी दूर से हमने देखा तब भी वो इतनी बड़ी टाइग्रेस नज़र आ रही थी। ठीक है, सो आई थिंक जो भी कोई आपके व्यूअर्स हैं या आपके क्लाइंट्स हैं जो जंगल हेडक्वार्टर्स के थ्रू कान्हा की सफारी अगर लेना चाहें, तो वो एक टाइग्रेस है जिसको उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी टाइग्रेस है। विद कब्स देखने को नहीं मिले, कहते हैं कि उनके कब्स बड़े हो चुके हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट टाइग्रेस अपने आप में बहुत खूबसूरत थी। और इसी के साथ में जब हम बैसन घाट मेल को ट्रैक कर रहे थे, फिर हम लोग नीला नाला मेल को ट्रैक कर रहे थे, फिर हम DB3 को ट्रैक कर रहे थे। DB3 मेल टाइगर्स है कान्हा के, डोमिनेंट मेल टाइगर्स। और एक बारी तो ऐसा हुआ था कि हम लोग चूक गए थे, नहीं तो हमारे को T-46 बैसन गार्ड मेल दिख जाता। बट कोई बात नहीं, बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैं अगर बात करूं वो ट्रैक करने का, टाइगर्स को वो एक मार के पीछे जाना, कॉल्स को सुनना, वो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि कॉल्स के थ्रू टाइगर्स को ट्रैक करना, वो तो एक पहले भी मैंने कुछ सफारीज में एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन पहली बार पगमार्क्स के थ्रू एक टाइगर को ट्रैक करना, एक एस्टिमेट लगाना कि टाइगर कहाँ आ सकता है, एक प्रेडिक्शन करना, वो अपने आप में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। हालांकि हम इंसान कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि टाइगर कहाँ से जाएगा और कहाँ निकलेगा, क्योंकि ये घर उसका है और उसकी मर्ज़ी है जहाँ से भी वो निकले और जहाँ भी वो जाए। तो आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत ही थ्रिलिंग और एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से मतलब जो ये सफारीज़ में, चाहे भले ही, जैसे मैंने कहा कि भले ही टाइगर साइटिंग इतनी ज़्यादा ना हुई हो, लेकिन ये वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं एकदम प्राइसलेस है मेरे लिए। और इसी के साथ आप वहाँ पे उमेश भैया से मिले, जो हमारे नेचुरलिस्ट, हाँ जी, जो गए थे हमारे साथ में, एंड आपने देखा कि वो कितने नॉलेजेबल नेचुरलिस्ट थे, कितना अच्छे से उन्होंने हर चीज़ एक्सप्लेन करी, एंड मैंने बहुत सवाल पूछे उनसे, and he always answered his questions with a smile. Right. उनको, उनसे बात करके एक, जैसे कि आपने उमेश भैया का नाम लिया, तो उनका पूरा नाम मैं बता दूँ, उमेश यादव है, और वो एक बहुत ही पुराने नेचुरलिस्ट हैं कान्हा वाइल्ड लाइफ
टाइगर रिजर्व के 20 सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, और इन 20 सालों में उन्होंने जो भी अपना एक्सपीरियंस गेन किया है वो उनके काम में, उनकी बातों में, उनके जवाब देने के तरीके में नज़र आता है। जैसे जिप्सी चल रही थी, और जिप्सी चल रही थी तो मुझे नहीं पता था कि स्पॉटेड डियर की कॉल हो रही है या सांबर डियर की कॉल हो रही है या मंकी की कॉल हो रही है, लेकिन वो जो उनका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के ज़रिए वो बता पा रहे थे कि कहाँ से कहाँ कॉल हो रही है और कहाँ से टाइगर निकलेगा। और एक दफ़ा जैसे कि आपने डोमिनेंट टाइगर का नाम लिया, बैसनघाट मेल यानी कि T-46, उसको हम ट्रैक करने में ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे। वो थोड़ा सा था कि हम 5 मिनट जल्दी वहाँ से चले गए, हो सकता है वहाँ हम थोड़ा अगर इंतज़ार करते तो वो एक डोमिनेंट मेल टाइगर है शायद, जिसने काफ़ी सारे मेल टाइगर्स को अपने जोन से बाहर निकाला हुआ है। आपकी पुरानी वीडियोस में मैंने नीला नाला मेल देखा था जो कि काफ़ी बड़ा टाइगर था, मेल टाइगर, और देख के ही लग रहा था कि काफ़ी बड़ा और डोमिनेंट मेल टाइगर है, उसने उस टाइगर को भी बाहर निकाल दिया है। तो ये एक टाइगर है जिसके लिए मैं दोबारा कान्हा की सफारी करना चाहूँगा। वहाँ पर और भी फेमस टाइगर्स के बारे में बातचीत हुई उमेश भैया से, जैसे DV3, MV3, DJ और ये बैसनघाट मेल। तो ये सारे टाइगर्स हैं जो इस बार मैं नहीं देख पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट सफारी में मैं इनको ज़रूर देख पाऊँगा। बिल्कुल देखेगा सर, क्यों नहीं देखेगा, आते रहो, एक्सपेक्ट मत करो, दिखेगा, उनका घर है, कभी ना कभी वो आपको दर्शन जरूर देगा। मैं दर्शकों को, व्यूअर्स को, आपके क्लाइंट्स को ये बता देना चाहता हूँ कि कान्हा नेशनल पार्क में दो हमें टाइगर नहीं दिखा, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क में हर सफारी में मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, कुछ ना कुछ नया देखने को मिला, चाहे वो एक छोटी सी कॉर्मोरेंट हो, चाहे वो जंगल फाउल हो, चाहे वो बारासिंगा हो। हमने इंडियन गौर, जो कि वहाँ के नेचुरलिस्ट बोल रहे थे इतनी इजीली साइटिंग नहीं मिलती, हमने 2 दिन बैक टू बैक एक सब एडल्ट और एक एडल्ट इंडियन गौर की साइटिंग करी, जो कि मेरे लिए एक पहला एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक अगर टाइगर मुझे उन सफारीज पे नहीं भी दिखा तो मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं उन सफारी से कुछ ना कुछ लेके जा रहा हूँ। कान्हा से फिर अब हमारा जो सफ़र था वो 232 किलोमीटर दूर बांधवगढ़ में जाके ख़त्म हुआ। राइट नाउ वी आर इन बांधवगढ़ ओनली। तो बांधवगढ़ का एक्सपीरियंस सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत ही खास एक्सपीरियंस होएगा आपके लिए। अब आते हैं बांधवगढ़ पे। तो बांधवगढ़ भी एक बहुत खूबसूरत जंगल है, और बांधवगढ़ जंगल की बात करने से पहले मुझे सबसे ताज्जुब ये लगा कि जो मध्य प्रदेश है उसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी वास्ट है और काफ़ी फैला हुआ है। तो ये फॉरेस्ट एरिया एक जंगली जानवरों के लिए एक अच्छे कॉरिडोर का प्रतीक है, जो इन जानवरों को अच्छे से एक जगह से दूसरे जगह जाने की सुविधा प्रोवाइड करवा सकता है। बांधवगढ़, जैसे कि आपसे कहा, बांधवगढ़ काफ़ी सुंदर जंगल है, और बांधवगढ़ मेरे लिए अब स्पेशल भी है क्योंकि 8 सफारीज और 21 सालों के बाद, क्योंकि पहला टाइगर मैंने अपना जंगल सफारी में देखा था 2002 में, और अब 2023 में जब से मैंने दोबारा जंगल सफारीज करनी शुरू करी, तो 21 साल के बाद आफ्टर 8 सफारीज मेरी पहली टाइगर साइटिंग थी, जो कि वो टाइग्रेस, काफ़ी एक फेमस टाइग्रेस है बांधवगढ़ की, डॉटी, उसकी फीमेल डॉटर है। तो वो एक 20 मिनट की साइटिंग थी, जो जहाँ पर शी वॉज लाइंग डाउन, उसने रोल किया, बेली एक्सपोज करके सोई, यॉन किया, टेरिटरी मार्किंग करी, जो एक टाइगर का नॉर्मल बिहेवियर अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में होता है वो सब देखने को मिला। तो वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल था। तो बांधवगढ़ में ये मतलब 8वीं जो मेरी सफारी थी वो मेरी बांधवगढ़ में एक स्पेशल सफारी है, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक टाइगर साइटिंग हुई और लेपर्ड भी हो गई थी।
ऑलमोस्ट लेपर्ड भी हो गई थी, क्योंकि एक 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 दृश्य था, क्योंकि उसी दिन मतलब ऐसे लग रहा था जैसे जंगल में हमारे लिए टाइगर्स की बरसात हो रही है, क्योंकि एक दृश्य था जहां पर आपने एक फीमेल टाइग्रेस को उसके बैक साइड से देख लिया था, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया था। वो टाइग्रेस आगे गई और उस टाइग्रेस ने आगे लेपर्ड से उसका किल छीन लिया और लेपर्ड पेड़ के ऊपर चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। दो, ये सारा दृश्य बहुत कम लोगों को देखने को मिला, हम वहाँ लेट पहुँचे, लेकिन लेपर्ड की जो साइटिंग थी वो आपके वीडियो में कैप्चर हो गई। तो वहाँ से डेफिनेटली बांधवगढ़ हैज़ डेफिनेटली, मतलब मैं ये कहूँगा कि एक स्पेशल प्लेस है मेरे लिए बांधवगढ़, क्योंकि यहाँ पर मेरी साइटिंग हुई और ये एक ऐसे जंगल हैं जहाँ मैं फिर आके फिर से साइटिंग करना चाहूँगा। बांधवगढ़ में सफारी के दौरान काफ़ी हम करीब भी आ गए थे टाइगर साइट करने के लिए, कई जगहों पर टाइगर की ग्राउलिंग नज़र आई, कई जगहों पर स्पॉटेड डियर की कॉल हुई, कई जगहों पर लंगूर की कॉल हुई, कई जगहों पर सांबर डियर बार्किंग डियर की कॉल हुई। तो उन सब से पता लगता है कि यहाँ हम टाइगर स्पॉट करने के काफ़ी करीब थे। तो डेफिनेटली फ्रॉम अ टाइगर साइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बांधवगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ मैं जिसको फिर से एक्सप्लोर करना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं आपको पता चला कि बांधवगढ़ की जो हिस्ट्री है वो कितनी रिच है, जैसे कि कल हम शेषैया पे गए थे, राइट, विष्णु जी की जहाँ पे स्टैचू है, राइट, साथ ही में वो पुरानी केव्स जो डायनेस्टी के टाइम पे जो बनी थी और सब हमने देखा। और साथ में सबसे जरूरी चीज सीता कुंड, जो यहाँ पर सीता कुंड या सीता मंडप जो टाइग्रेस सीता के नाम से बहुत फेमस है, वो मुझे देखकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि टाइग्रेस सीता और टाइगर चार्जर, इन दोनों टाइगर्स की एक बहुत रिच हिस्ट्री रही है बांधवगढ़ में। दो लोगों को नहीं पता कि ये टाइगर्स कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, बट इन्हीं टाइगर्स ने आकर के बांधवगढ़ में दोबारा से टाइगर पॉपुलेशन को रीएस्टैब्लिश किया। जहाँ ये हम दो फेमस टाइगर्स की बात कर रहे हैं, चार्जर और सीता, वहाँ से आज बांधवगढ़ में हम 160 टाइगर्स, जो कि कोर और बफर जोन को मिलाकर 160 टाइगर्स हैं जो एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। तो आई मीन, और वो उस टाइगर की ओरिजिनेटिंग जगह को देखना जहाँ से वो टाइगर पाई गई थी, टाइग्रेस पाई गई थी, तो वो डेफिनेटली मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। एंड ऑफ कोर्स शेषैया को मैं बचपन से डॉक्यूमेंट्रीज में ही देखता आ रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपके पुराने व्लॉग में भी कहा था, बांधवगढ़ के ऊपर टाइगर डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बनी है और वहाँ पर शेषैया को मैं टाइगर डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत देखता आ रहा हूँ। लेकिन ये मेरा पहला विजिट था जहाँ पर मैंने सोए हुए विष्णु जी, जो कि शेषनाग से घिरे हुए थे, उनको वहाँ पर देखा। और चरण गंगा, जो कि मैंने कभी नहीं सुना था उसके बारे में, वो मैंने पहली बार देखा पहाड़ी से किस तरह पानी आता हुआ। और वो भी एक थ्रिलिंग एडवेंचर और इसलिए था क्योंकि हमें गाइड ने बताया कई बारी टाइगर्स वहाँ तक आ जाते हैं, तो वहाँ हम पैदल गए थे विष्णु जी की जो आइडल थी या जो मूर्ति थी उनके दर्शन करने, लेकिन वहाँ टाइगर्स भी आते हैं। और इवन इनफैक्ट मैं एक और चीज़ के लिए जंगल हेडक्वार्टर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा स्टे जो है वो टाइगर ट्रेल्स में कराया, जो कि एक टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बना है। यहाँ से सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर की ही दूरी पर ताला जोन का गेट है, तो मतलब हम एक ऑलमोस्ट एक कोर टाइगर जोन के साथ लगे हुए हैं। और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने मुझे बताया कि कई बारी यहाँ रिजॉर्ट के अंदर भी टाइगर साइटिंग हो चुकी है, तो ये मेरे लिए अपने आप में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट आई थिंक जहाँ पर मैं इस समय बैठा हूँ, ठीक मेरे सामने जो पार्क है वहीं पर टाइगर साइटिंग हुई है, ऐसा मेरे को स्टाफ मेंबर्स ने बताया। और ये सिर्फ यही नहीं, यहाँ के आसपास के जितने भी रिजॉर्ट्स हैं जो ताला जोन के गेट के साथ इर्द गिर्द हैं, उन सब में टाइगर साइटिंग के बहुत चांसेस हैं। सो जंगल हेडक्वार्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद इस सफारी के लिए, इस पूरे एक नए एक्सपीरियंस, एक नए अनुभव के लिए। बांधवगढ़ का ट्रिप जो है वो बिल्कुल ही अधूरा रह जाएगा अगर मैं इन शख्स का नाम ना लूँ जिनका नाम मैं अभी लेने वाला हूँ। वो हैं श्री मुकेश बर्मन जी,
जो हमारे गाइड थे एक सफारी में, और जिस तरह का नॉलेज, जिस तरह की, जैसे कान्हा में उमेश भैया थे, सिमिलरली बांधवगढ़ में मुकेश भैया हैं, और जिस तरह का नॉलेज उन्होंने शेयर किया, जो उनके उनके पास टेरेन की जानकारी है, टाइगर्स की जानकारी है, किस तरह टाइगर्स को ट्रैक करना है, जिस तरह से उन्होंने किया, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। और साथ में एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जिसके बगैर मुझे लगता है ये जो ट्रिप है, ये जो वाइल्ड लाइफ सफारी है या एक्सपेडिशन है, ये बिल्कुल अधूरा रहेगा, वो है आपका जो ज्ञान था, जो हमें आपका ज्ञान मिला, आपका एक्सपर्टीज़ मिला सफारी के दौरान, जिस तरह से गाइड अलार्म कॉल्स सुन लेते हैं, टाइगर का पग मार्क्स देख करके एक एस्टिमेट लगाते हैं, मैंने वही देखा कि उसी तरीके का ज्ञान आपके पास भी है और आप इस जानवर के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, जिसकी वजह से जो सफारी में हमारे साथ साथ के चलने वाले साथी थे, चाहे वो इंडिया के थे या इंडिया के बाहर के थे, वो भी आपकी नॉलेज से काफ़ी प्रभावित हुए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सारा ज्ञान एक एक होता है कि जहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ और वहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद मैंने उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया और फिर वहाँ से वो ज्ञान मुझे मिला, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस जानवर के बारे में, जंगल के बारे में आपको इतना ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? और अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हो जिसको जंगल के बारे में जानना हो, सीखना हो, उसको क्या करना चाहिए? ऐसा है शोभ भाई, मैंने तो बहुत पहले से, आई थिंक 92 में पहली बार ही मम्मी पापा कॉर्बिट लेके गए थे, तो 4 साल का था, बहुत छोटा था, तब तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बट ग्रेजुअली मेरा वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। भले ही मैं इवेंट मैनेजमेंट कर रहा था बॉम्बे के अंदर 12 साल से, तो ये शौक, पैशन जो एनिमल्स के प्रति था, जो हमेशा से एक प्यार था, वो हमेशा ही रहा है। मैं अपने जब भी मौका मिलता था, मैं हमेशा कॉर्बिट जाया करता था, और मेरा मैक्सिमम जितना ये यूट्यूब और जंगल हेडक्वार्टर्स से पहले जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है जो मैं घूमा हूँ, तो वो कॉर्बिट टाइगर रिजर्व है। आपने कहा कि कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या करना होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। पहले तो जंगल से प्यार होना चाहिए, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, ये अंदर से ही आती है चीज़ें। दूसरा, आपको एक अच्छे नेचुरलिस्ट, एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, जैसे कि मैं काफ़ी लोगों से सीखा हूँ, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा संजय चिम्बाल जी, जो हमारे कॉर्बिट के अंदर, जो हमारे नेचुरलिस्ट है, जो जंगल हेडक्वार्टर्स के ही पार्ट है, जो हमारे को, जो वहाँ पे भैया काम संभालते हैं, तो उनसे मैं बहुत सीखा हूँ। मेरा दोस्त देवेन, जिसके साथ मैं बहुत रहा हूँ वहाँ पे, उससे मैं बहुत सीखा हूँ। दौलत सिंह शक्तावत जी, जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के, उनसे बहुत सीखा हूँ। मेरे दादाजी, मेरे फादर, ये सब जो हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं। साथ में अगर बोलना चाहिए तो ऑफकोर्स नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, थैंक यू वेरी मच, डिस्कवरी, एनिमल प्लानट, इनसे जितनी नॉलेज मिली है वो अलग, और बाकी किताबें। उसके बाद ये सब तो ठीक है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, गेम तब बदलती है वहाँ पे, क्योंकि जो हमने पढ़ा होता है वो तो होता है, लेकिन फील्ड के अंदर हमारे को कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसका शायद जिक्र किताबों में भी ना हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता था कि मैं 3 या 4 साल मैंने जंगल में घूम लिया तो मुझे सारी जानकारी मिल गई, नहीं, मैं गलत था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वाइल्ड लाइफ जो है हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। तो मेरे हिसाब से जो यंगस्टर्स है हु वांट टू यू नो आप पैशनेट अबाउट वाइल्ड लाइफ, उनको सबसे पहले तो जंगल जाते रहो, वहाँ पर आप जंगल जाओगे। एक सफारी में कोई भी इंसान जो है जंगल के रूट्स नहीं सीख सकता है, आपको बहुत सफारी करनी पड़ेंगी। दूसरा, एक अच्छा नेचुरलिस्ट जो आपको ट्रेन करे, एनिमल बिहेवियर के बारे में बताए। बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं आजकल, आपने देखा है पार्क के अंदर, उनको यू नो प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मेरे केस में तो मैंने आपको लोगों के नाम बता दिए जिनसे मैं सीखा हूँ, एंड ये आपका प्यार ही है जो आपको ये सब चीज़ें सिखाएगा, मैं ये बोलूँगा। जहाँ तक टाइगर का सवाल है, टाइगर ट्रैकिंग का सवाल है, वो एक दिन में नहीं सीखा जाता है, उसको काफ़ी समय लगता है सीखने के लिए। जैसे कि अगर संजय भैया की बात करो तो उनको 22 साल का एक्सपीरियंस है, 22 साल एक बहुत बड़ा टाइम है। मुकेश भैया की बात करो तो मुकेश भैया को भी 22 से 23 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, उमेश भैया के आपने नाम लिया, उमेश भैया को 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे तो उतना भी नहीं, आधा भी नहीं होगा। तो ऐसे लोग हैं, और मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि इनसे जो ज्ञान मिलता है ना वही बेस्ट है, और वही जो ज्ञान है जो मैंने उनसे, मुझे उनसे मिला है, वही मैं आगे पास ऑन करता रहता हूँ, मैं वही व्यूवर्स के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, और जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है पार्क के अंदर मैं वो शेयर करता हूँ। तो
बस जंगल से प्यार कीजिए, जानवरों से प्यार कीजिए और पढ़िए। मैं कहता हूँ जितना आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, जो जो नई नई चीज़ों की बहुत बहुत है वाइल्ड लाइफ में, लोगों ने इतनी रिसर्च करी हुई है, इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है और फ्री फंड में अवेलेबल है। आप इंटरनेट पर जाके सर्च कीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में, आप सर्च कीजिए, इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं। मैं बचपन में इंसाइक्लोपीडियाज़ बहुत पढ़ता था, तो ये था। बाकी जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप एक वो प्रोफेशनल लेवल, एक जिसको हम बोलते हैं एक परफेक्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगर हम जंगल जाएं और हमें टाइगर नहीं मिलता तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सर, एटीट्यूड सिंपल है, आप जैसे जा रहे हो वैसे ही रहो, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द जंगल, मैं यही बोलता हूँ। टाइगर साइटिंग से क्या होता है सर, आपने देखा कि कॉल्स, कितनी कॉल्स, भयंकर कॉल्स हुई हैं। बांधवगढ़ के अंदर हमारी गाड़ी के सामने कॉल हो रही थी जब वो लेपर्ड निकला था, बट लेपर्ड नहीं निकला बाहर। तो बहुत टाइम तो कॉल्स इतनी मजबूत होती हैं लेकिन फिर भी हमारे को देखने को नहीं मिलता है। सो अपना एटीट्यूड जो है वो सिंपल रहना चाहिए। लेट्स नॉट एक्सपेक्ट समथिंग मेजर फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो भी है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। इफ़ यू आर डेस्टिन्ड टू सी अ टाइगर, इट यू विल सी अ टाइगर। अगर ऊपर वाले ने आपके मुकद्दर के अंदर लिखी है एक टाइगर साइटिंग, तो आपको होगी। जैसे आपको हो गई, भले ही कान्हा के अंदर आपका लक खराब था, लेकिन बांधवगढ़ ने आपको एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया, जो आपको डॉटी की बच्ची मिली देखने को, जो कि 20 मिनट की साइटिंग, वो भी रोड के बीच में, रोड ब्लॉक हो गया था। आपने देखा कि कितनी गाड़ियां उस तरफ थी और हमारी तरफ थी। बट जो आपने एटीट्यूड की बात करी, तो मैं यही बोलूंगा कि डिसअपॉइंट मत हुई है, आपको टाइगर्स दिखेंगे ही दिखेंगे, थोड़ा समय लगता है। कुछ लोगों का मुकद्दर इतनी अच्छी है, कुछ लोगों का नसीब इतना अच्छा होता है कि पहली सफारी में ही दिख जाता है, कुछ लोगों को 10 साल लगाते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको टाइगर कब दिखेगा, टाइगर के ऊपर ही है। आप उसको ट्रैक कितनी अच्छी से करते हैं और कितना क्लोज उस तक पहुंच जाते हैं, वो मैटर करता है। ये एक अलग है कि टाइगर तो टूरिज्म को खींचता ही खींचता है, नो डाउट। ऐसा भी हुआ है कि जब मैंने भी कितनी सफारीज करी है, अब कितना जंगल देख लोगे। एक एक तो चाहत तो होती है कि एक बार ही टाइगर को देखा जाए या लेपर्ड देखा जाए। प्रेडेटर्स का तो चाम ही अलग होता है जंगल के अंदर, तो मायूस मत हुई है। लेकिन मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी है जो मैं आपके केस में बोलना चाहूँगा कि जैसे कान्हा के अंदर हमने 4 सफारी करी, आपने हर एक सफारी को इक्वली इन्जॉय किया। उसका एक फैक्टर आप ही ने मुझे बताया था कि आपने मेरी मेहनत देखी, आपने गाइड की मेहनत देखी, कि हम लोग जी जान लगा के वहाँ पे टाइगर को ढूंढ रहे थे आपको दिखाने के लिए। शुभो भाई जो हैं वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए थे क्योंकि उनको कान्हा में टाइगर नहीं देखा था। डीजे देखी थी बट इट वॉज नॉट अ ग्रैंड साइटिंग, बट आई फेल्ट बैड बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू यू नो मेक हिम विटनेस अ प्रॉपर साइटिंग। बट इन्होंने जिस तरीके से वापस आके मुझे बोला, एंड ही कंसोल्ड मी दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट, कुछ नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि ऐसे इंसान होने चाहिए जो समझते हैं जंगलों को। सबसे पहली बात होती है सर, आपको पता है कि जंगल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। टाइगर को हम एक सीटी मार के बुला नहीं सकते जंगल से, वो उसका घर है, हमको उसको ढूंढना होता है, तो इसलिए हम उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं यहाँ पे। तो आपने एक चीज़ का जिक्र किया जिसको आपने कहा PIP, यानी कि पग इम्प्रेशन पैड्स। पग इम्प्रेशन पैड्स मैंने कान्हा में देखे, बांधवगढ़ में इतने नहीं मिले, लेकिन ज़्यादातर वो पग इम्प्रेशन पैड्स मुझे कान्हा में मिले, जो कि टाइगर काउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पग इम्प्रेशन पैड एक्चुअली में होता क्या है, और मैं ये अपने हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी पूछना चाहूँगा, पग इम्प्रेशन पैड होता क्या है, पग इम्प्रेशन पैड को बनाते कैसे हैं? सर, ये बहुत पुरानी टेक्निक है जो कि 1972 के अंदर शुरू करी गई थी, जब पहला ऑल इंडिया टाइगर सेंसस हुआ था। ये हमारे लेट श्री सरोजराज चौधरी सर हैं, जो कि सिमनीपल टाइगर रिजर्व के उस टाइम पे डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने ये जो है ये एक पूरा जो प्लान है ये बनाया था। तो PIP के अंदर क्या होता है कि 2 meters by 2 meters का एक अपना स्क्वायर टाइप का एक मिट्टी से बना हुआ एक फ्रेम बन जाता है। होता क्या है कि हम पहले मिट्टी को 10 सेंटीमीटर तक डक करते हैं एक एक जगह पे, वो हम फ्रेम बना लेते हैं पहले, उसमें से हम पूरी मिट्टी को डक करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक मैश, एक छन्नी से वही एरिया पे जहाँ से हमने मिट्टी निकाली थी, वही सेम मिट्टी को हम छानते हैं और उस पूरे एरिया को, 2x2 के एरिया को हम उसको कवर कर देते हैं, एंड देन वी लेवल दैट एरिया। उसको एक लेवल से हम एकदम, जैसे क्रिकेट की पिच बनाते हैं ना हम, वैसे ही उस पर रोलर चला के उसको अच्छे से एक लेवल पर कंप्रेस कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब टाइगर चलता है तो उसके पैड का एक इम्प्रिंट बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर आ जाता है, मतलब 3 से 4 footprints आप उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये टेक्निक तब यूज़ करे जाते थे क्योंकि क्या होता है कि हर जगह फॉरेस्ट के अंदर जो सॉइल कंडीशंस होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, ये होता है।
और कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ एरियाज के अंदर पगमार्क्स नहीं मिल रहे होते तो वहाँ पे PIPs को यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक आर्टिफिशियली हमने उसको अच्छे से ड्राफ्ट करके बना दिया जिसके थ्रू हमको पता चलता है, क्योंकि ट्रेन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो PIP की जो मिट्टी है ये वही मिट्टी होनी चाहिए जो कि उसी सराउंडिंग एरिया की है, तो ये होता है। तो ये वो पुराने ज़माने में करते आ रहे हैं। इवन आई वो सरप्राइज कि मैंने भी यहाँ पे PIP को पहली बार ही फील्ड के अंदर देखा। देखिए जैसे कि मैं बोलता हूँ कि नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, तो पहले मुझे भी लग रहा था कि ये PIP ही लग रहा है, फिर मैंने उमेश भी ऐसे कंफर्म किया आपके सामने, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ सर ये PIP ही है। तो ये अभी इन लोगों ने शायद, मुझे लगता है कि जहाँ पे कैमराज नहीं लगे हुए थे वहाँ पे टाइगर्स की प्रेजेंस को नोट करने के लिए इन लोगों ने PIPs को बनाया है। आप देखिए सिंस हम PIP की बात कर रहे हैं और कान्हा टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो एक मैकेनिज्म या एक एक्सपेरिमेंट कह लें जो मैंने कान्हा टाइगर रिजर्व में देखा और जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया था, जिसको कहते हैं बोमा एनक्लोजर। बोमा एनक्लोजर होता क्या है, बोमा एनक्लोजर का उद्देश्य क्या है, बनाते कैसे हैं, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, अगर आप अपने दर्शकों के लिए, हम लोगों के लिए थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल सके तो। बिल्कुल। तो ये जो बोमा टेक्निक है ये सबसे पहले ये अफ्रीका के अंदर जो है ये इन्वेंट करी गई थी। ये अफ्रीका में ज़्यादातर किया जाता है लाइफ स्टॉक को पकड़ने के लिए या डियर्स को पकड़ने के लिए। इंडिया के अंदर अभी शुरू करा गया है, स्पेशली चीतास के केस के अंदर हमने इसको किया है। उससे पहले जैसे कि आपने बताया बारासिंगा जो कान्हा के अंदर थे, बारासिंगा को दूसरी जगहों पे भेजने के लिए उसके लिए भी बोमा एनक्लोजर की हमने करी है। फिलहाल तो इस टाइम पे चीतास के लिए मेन किया जा रहा है, जिसका जो प्लांट है वो एक तो कान्हा में लगाया और दूसरा जो मैंने देखा है वो पेंच में लगाया गया है बोमा एनक्लोजर का। होता क्या सर कि एक एनक्लोजर बनाया जाता है और एक टनल टाइप सी बनाई जाती है जिसके अंदर एक ओपनिंग होती है। जानवर जो हैं जैसे कि चीतल हो गए, हम उनको चेज करते हैं, उनको दौड़ाते हैं, वो दौड़ने के चक्कर के अंदर चीतल जो है कुछ इधर निकल जाते हैं कुछ इधर निकल जाते हैं इंक्लोजर के, लेकिन जो बाकी जो बच जाते हैं वो उस फनल के अंदर घुस जाते हैं। एक फनल होती है वो उसके अंदर घुस जाते हैं, जैसे ही उसके अंदर घुसते हैं हम एक दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो जो है उसके अंदर कैद हो जाते हैं। पूरा सा एक इंक्लोजर होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब हम ये काउंटिंग पर डिपेंड करता है कि हमको कितने भेजने हैं, जैसे कि 60 चीतल भेजने हैं, 70 चीतल, 160 चीतल भेजने हैं, काउंटिंग के हिसाब से ही हम उसको करते हैं, क्योंकि जो इंक्लोजर है उसकी भी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उतना ही हमको रखना होता है। तो वहाँ से क्या करते हैं हम उनको जब बंद कर देते हैं तो उसके बाद में हमारे जो एक स्पेशल वैन्स होती हैं जो उनको लेके जाती हैं वो आती हैं, उनकी पीछे के बैक साइड का जो दरवाज़ा होता है वो ओपन हो जाता है, जो एकदम बोमा के गेट से ही लग के होता है, और जो डियर्स होते हैं वो अपने आप जो है वैन के अंदर आ जाते हैं एंड वहाँ से फिर वैन को बंद करके हम आगे उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये हुआ, ये अभी जो है ये केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर के अंदर है वहाँ पे भी अभी बोमा टेक्निक जो है वो यूज़ करी जा रही है, क्योंकि वहाँ से चीतलों को पकड़ के मुकुंदरा भेजा जा रहा है टाइगर्स के लिए जो भी। अच्छा, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक ज़रा दिलचस्प सवाल पूछना चाहूँगा। मेटिंग से मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या मेटिंग के लिए, क्योंकि टाइगर्स जो हैं काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं, तो टाइगर्स जो हैं मेटिंग के लिए इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये क्या मीटिंग के लिए ये लोग क्या करते हैं? और दूसरा सवाल ये है, क्योंकि टाइगर इतने टेरिटोरियल हैं तो एक टाइगर दूसरे टाइगर के एक टाइगर जो है दूसरे टाइगर की टेरिटरी में नहीं जा सकता, नहीं तो वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई होने की संभावना रहती है, टू द एक्सटेंट कि हमने कहीं टाइगर्स को ये भी देखा है कि वो मर गए हैं टेरिटरी फाइट्स में। तो क्या मेटिंग या फीमेल के लिए टेरिटरी फाइट्स होती है? सर फीमेल्स के लिए तो क्या कुछ नहीं होता है बट ये बात सच है। देखिए सर, इसमें मैं बोलूँगा कि बहुत हद तक जो है ना ह्यूमन इमोशन जो होते हैं, जैसे कि फिल्मों में काफ़ी बार ही आपने देखा होगा कि मतलब एक जैसे कि वो क्या कहते हैं आज की डेट में लव ट्रायंगल, तो ऐसा होता है तो मतलब एक कपल का अच्छा खासा चल रहा होता है फिर एक तीसरा बंदा एंट्री मार देता है और पूरा खेल खराब कर देता है। टाइगर्स के साथ में भी सेम चीज़ होती है सर, बट होता क्या है कि सी टाइगर्स आर वेरी पोजेसिव, दे आर हाईली टेरिटोरियल, जैसे कि आपने बोला टेरिटरीज के लिए फाइट तो बिल्कुल होती है, क्योंकि एक मेल टाइगर दूसरे को तो बर्दाश्त करेगा ही नहीं अपनी टेरिटरी में, वो तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, हम रेजिडेंट टाइगर्स की बात करते हैं और ट्रांजिएंट टाइगर्स के बारे में बात करते हैं। रेजिडेंट टाइगर्स तो होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया को डोमिनेट करता है, खुद रहता है, साथ में उसकी तीन फीमेल्स होती है, तो टाइगर्स का रेशियो 1:3, एक मेल 3 फीमेल।
ट्रांजिट टाइगर सर वो होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर टाइगर की टेरिटरी में आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। जैसे कि मैं रंथम में उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि रॉकी रंथम्बोर T58 की बात कर रहा हूँ, वो जोन 10 में भी जाता है। जो जोन 10 में जो जय है वो वहाँ का डोमिनेंट टाइगर है, उसकी हुकूमत चलती है वहाँ पर। तो वो रॉकी जो है वो कभी कभी आता है, जैसे कि मैंने अभी रॉकी को जोन 10 में ही देखा था, वो आता है 3-4 दिन रुकेगा सोएगा फिर निकल आएगा जोन 7-6, तो उसका जोन नंबर 10 उसका जोन नहीं है। तो ये होते हैं। अब रॉकी ने अभी तक कोई फाइट नहीं करी जय के साथ में, बिकॉज उसको अच्छे से पता है कि जय जो है वो यंग है और वो उसको एक अच्छी फाइट दे सकता है, मार भी सकता है। फीमेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो वो तो मुझे लगता है कि दूसरे लेवल पे ही होती हैं चीज़ें। जो लड़ाइयाँ हैं, जैसे कि मैंने अपने YouTube शॉर्ट एक काना का ये एक वीडियो है जो हमारे ड्राइवर साहब दुर्गेश ने उसको शूट किया था, जिसके अंदर उमर पानी मेल जामुन तोला मेल से लड़ रहा है, और अगर आप उस शॉट में देखेंगे तो DJ जो है वो आके एक हद तक रोक रही है दोनों को, एंड दे आर लिटरली फाइटिंग विद ईच अदर। बहुत ही भयंकर तरीके से दोनों लड़ रहे थे, बिकॉज अपना अपनी जनरेशन अपना ब्लड लाइन कौन सा टाइगर नहीं चाहेगा कि वो पूरे पार्क के अंदर हो। ये मेल्स के अंदर भी होता है, ये फीमेल्स के अंदर भी होता है। मेल मेल के सामने लड़ेगा फीमेल को पाने के लिए, जबकि स्पेशली जो मीटिंग सीजन आता है नवंबर से लेके जो फरवरी तक का हमारा टाइम है उसमें मीटिंग जो है वो पीक सीजन पे होती है। वैसे तो थ्रू आउट चलती है लेकिन विंटर्स के टाइम पे पीक सीजन पीक टाइम पे होती है। फीमेल जो है वो फीमेल से लड़ती हैं क्योंकि उनको अपना जीन पूल आगे बढ़ाना है, उन्हीं के बच्चे जो है, एक फीमेल चाहिए कि मेरे ही बच्चे यहाँ पे पैदा हों और वही इस एरिया को बाद में टेक ओवर करें। तो बिल्कुल सही बात है सर, आप उसको बोल लोगे टाइगर को जेलसी होती है या वो पोजेसिव है, हाँ कुछ भी बोल सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर उसकी फीमेल के ऊपर कोई आ रहा है और स्पेशली अगर कब्ज़ हैं, अगर जैसे कि हम बजरंग की बात करते हैं, बजरंग ने चक्रधारा फीमेल के साथ में अभी मेट करा था और बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं जिनको हम कल गोपालपुर तालाब पर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अगर एक नया मेल घुस जाता है टेरिटरी के अंदर और वो कब्ज़ को मारने की कोशिश करता है और अगर फादर हुआ वहाँ पर, ही वुड बी द फर्स्ट वन टू कम एंड यू नो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज कब्स कि मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये हुआ है और ये लोगों ने देखा भी है, फीमेल्स तो करती हैं, अगर फादर नहीं है तो फीमेल्स ही करेंगी, मोस्टली फीमेल्स ही करती हैं, बट एक मेल जो है अगर उसको चाहिए, बिकॉज मेल कीप्स कमिंग। अब जो बजरंग है उसकी रा फीमेल के साथ में मीटिंग हुई है, खेतौली जोन के अंदर उसके बच्चे भी हैं जो लास्ट टाइम मैंने शूट करा था उनको और आप सभी को दिखाया था। तो ये है, तो वो चक्कर काटता रहता है, वो उधर ताला जोन भी जाता है, ताला से फिर वो खितौली भी चले जाता है, एंड यू नो वंस ही गोज एंड ही चेक्स आउट इज कि सब कुछ राह के साथ ठीक है या चक्रधारा फीमेल के सामने ठीक है, तो वो करता है। बट यस, फीमेल्स को पाने के लिए भी बहुत बहुत ही भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं। और ये आपने फीमेल्स की बात कही जिनके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसी विषय के ऊपर एक टॉपिक है जो मेरे सामने आया जब मैं कान्हा में सफारी कर रहा था और उमेश भैया ने बताया, जिसको कहा जाता है फॉल्स मेटिंग, सूडो मेटिंग या सूडो मेटिंग कह लें। तो ये सूडो मेटिंग या फॉल्स मेटिंग किस लिए करी जाती है और इसका क्या पर्पस होता है? सर, सूडो मेटिंग तो बेसिकली तभी की जाती है, ज़्यादातर फीमेल्स अपने कब्स को बचाने के लिए करती हैं। जैसे कि अभी कान्हा के अंदर हुआ था कि आपको पता है कि डीजे की बात करूँ, डीजे के पांच बच्चे थे, उन पांच बच्चे में से दो को मार दिया गया। अब नो वी डोंट नो कि वेदर नीला नाला ने मारा या किसी और मिलने मारा है, बट ऑब्वियसली उनको दूसरे टाइगर ने ही मारा है। अभी बीच में एक वो जो बोमा इंग्लोजर याद है जहाँ पे वो बना हुआ था काना में, वहीं पे नीला नाला मेल को और डीजे को साथ में देखा गया था एंड वो मेट कर रहे थे, जो हमको बाद में पता चला कि जो उमेश भैया ने बताया कि वो सूडो मेटिंग थी, वो फॉल्स मेटिंग थी। वो होता क्या है कि फीमेल्स ही करती हैं, जब एक नया मेल उनकी टेरिटरी में आ रहा था और उसकी नज़र बच्चों पे पड़ने से पहले ही वो क्या करती है, बच्चों को सेव करने के लिए उस टाइगर को, उस मेल टाइगर को एक दूसरी जगह पे ले जाएगी और वहाँ पे उसके हमें 2 या 3 दिन रहेगी और उसके साथ में फॉल्स मेटिंग करेगी ताकि उसके बच्चे जो हैं वो बच जाए। तो बस ध्रुव भाई, यही मैक्सिमम सारे सवाल थे जिनके जवाब मुझे आपसे मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल ट्रिप। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। आई एम गोइंग बैक एज अ बेटर वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, ऑल थैंक्स टू यू। और ऑफ कोर्स मैंने अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जर्नी भी यहाँ से शुरू करी, फॉर विच द क्रेडिट हैज़ टू गो टू यू ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। होपफुली नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे ही किसी नेशनल पार्क में या किसी रिजॉर्ट के बाहर दोबारा मिलते हैं।
और दोबारा से वाइल्ड लाइफ सफारी पे चलते हैं और फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, टाइगर को ट्रैक करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शुभो भाई कि आपने हम लोगों को इस काबिल समझा कि हम आपको एक जंगल सफारी का एक अच्छा एक्सपीरियंस दें। कान्हा एंड बांधवगढ़ हैव ऑलवेज बीन स्पेशल, दे आर वेरी स्पेशल पार्क्स। प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ था तो कान्हा जो था वो 8 टाइगर रिजर्व्स के अंदर से वन वाज कान्हा, और इतनी सारी बातें आपने करी, इतनी अच्छी बातें आपने करी एंड आप वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से समझते हो, मैं पहले ये कहना चाहूँगा। एंड आप जैसे लोगों के साथ में, नॉलेजबल लोगों के साथ में हमेशा जाना जो है, हमेशा हमेशा मैं जाना पसंद करूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी आप एक दोबारा से प्लान कीजिए, और इस बारी मैं आपको समर सीज़न में लेके जाना चाहूँगा जब जंगल जो है वो एकदम अलग ही दिखता है, साइटिंग के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा हैं। और इसी के साथ में मैं दोबारा से एक बारी आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमारे को इस काबिल समझा कि हम आपको एक अच्छे सफ़र पे लेके चले। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा साथ पसंद आया होगा। एंड चलिए, अब ट्रेन पकड़ने का समय हो गया है और हमारे को वापस जाना पड़ेगा अपने शहर, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में।